अब हम सीधा रुख करते हैं पटना, जहां हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल मौजूद है। राजीव, बताएंगे कि आज राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो छाए रह सकते हैं। राजीव, देखिए प्रिया, आज सबसे पहले तो मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और लगभग 17 लाख जो विद्यार्थी हैं शामिल हो रहे हैं। 1585 जो केंद्र बनाए गए हैं पूरे बिहार में, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभी हम पटना के मिलर स्कूल के बाहर खड़े हैं, तस्वीरें मिलर स्कूल की हैं, जहां जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षा के केंद्र ये बनाए गए हैं, ये आपको माध्यमिक विद्यालय है। और यहाँ देख सकते हैं कि तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं कि जहाँ परीक्षा केंद्र में जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर जा रहे हैं, और इस 9:30 बजे से पहली पाली की शुरुआत हो जाती है और बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा सभी को जांच करते हुए अंदर भेजा जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से सीधे निर्देशित थे कि किसी भी तरीके के जूते और मोजे नहीं पहन के जाने हैं, चप्पल आपको पहन के जाने हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेना है, और तमाम चीजें, एडमिट कार्ड, तमाम चीजें जांच हो रही है, हर एक चीजों को जांच किया जा रहा है, आधार कार्ड और ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। और 9:30 बजे से पहले पाली की परीक्षा होनी है, दूसरी पाली की परीक्षा आपको 2:30 बजे से होनी है, और उससे आधे घंटे ठीक पहले परीक्षा केंद्र में आपको अंदर चले जाना है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आई कार्ड से लेकर तमाम चीजें जांच की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हर एक परीक्षा केंद्र पर रिकॉर्डिंग की जा रही है। और आज से मैट्रिक की परीक्षा 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक होना है। जूते मोजे पहनकर आना मना है, ये देखिए तस्वीरें लिखा हुआ है बाकायदा यहाँ कि जूते मोजे पहनकर आना मना है, सख्त निर्देश है। और विद्यार्थियों के लिए कि हाँ, रोल नंबर बाकायदा यहाँ लगा दिया गया, अलॉटेड कर दिया गया किस रूम में आपका पड़ा हुआ है, इनकी रिकॉर्डिंग यहाँ सब देखकर बाकायदा यहाँ सब व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी निगरानी यहाँ रखा गया है कि आप सीसीटीवी निगरानी में हैं, और ये भी निर्देशित किया गया कि आप जो भी कोई भी कदाचार नहीं कर सके। और जिस तरीके से पहले फजीहत होती थी कि जिस तरीके से जहां विद्यार्थी जो होते हैं, चाहे उनके घर वाले आते थे, कि जो चोरी होती थी, जिस तरीके से बार बार की बिहार जब विद्यालय परीक्षा समिति की जब एग्जामों को लेकर पूरे बिहार चाहे देश में एक फजीहत, लेकिन उसको देखते हुए पूरे एहतियातन तौर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सुरक्षा से लेकर तमाम जांच परख कर अंदर बच्चों को भेजा जा रहा है, और एक कदाचार मुक्त और भयमुक्त तरीके से किस ये एक तरीके से परीक्षा हो सके, और उसको लेकर पूरी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से तैयारी की गई है। आज से परीक्षा की शुरुआत हो रही है, और परीक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो 9:30 बजे से आधा घंटा ठीक पहले उनको अंदर केंद्र में चले जाना है। प्रिया, बिल्कुल राजीव, आज जैसे परीक्षा की शुरुआत हो रही है, मैट्रिक की परीक्षा है, साथ ही हम मौसम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा तो शुरू हो रही है, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई थी आज भी संभावना कुछ इसी तरह से जताई जा रही है, कितनी परेशानियां हो रही है। देखिए प्रिया, जरूर, क्योंकि देखिए परीक्षा केंद्र पे जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो कभी दनियावा से, कोई पटना सिटी से, तमाम बड़ी दूरी दूर से आ रहे हैं। लगभग यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी से परीक्षा सेंटर दिया गया है, और पहुंचने में यहाँ बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से सख्त निर्देश है कि आपको सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, आधा घंटा पहले इंटर कर जाना है, वहां से जब चलने, क्योंकि विजिबिलिटी एक तो लगभग 50 मीटर से भी कम है, मौसम का जो मिजाज है 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, बारिश के बाद कुहासे हुए हैं, कुहासे के चलते जो आने जाने का जो जल उसमें कहीं ना कहीं बाधा जरूर है, और ठंड जैसे बड़ी है, ठंड बड़े बसंत पंचमी की शुरुआत हुई है, तो ये जो विद्यार्थियों के लिए मुश्किल का सबब जरूर है, क्योंकि देखिए चाहे वो ट्रेन हो या प्लेन हो या बस हो या ऑटो रिक्शा, किसी पे देखिए अगर कुहासा रहेगा तो विजिबिलिटी कम रहती है, तो उसकी धीमी रफ्तार हो जाती है, धीमी रफ्तार की वजह से आपको समय जो है वो जहां आधे घंटे लगते हैं वो 1 घंटे लगते हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर बहुत ही नुकसान है, और उसको बच्चे अब वह 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे पहले पहुंच जा रहे हैं, और कहीं किसी को जाना होता है वो भी 1 घंटे पहले पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रेनों का रफ्तार भी रुका है, और वहीं प्लेन का भी रफ्तार रुका है, या गाड़ियों की रफ्तार वो भी रुकी है, तो इसके वजह से जैसे मौसम का मिजाज जो बदला है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि वज्रपात हो सकते है, बारिश हो सकती है, और मौसम इस तरीके का कम से कम 3-4 दिन ऐसे ही बना रहेगा, तो उसको लेकर भी जहां मौसम विभाग ने पहले अलर्ट किया और मौसम इस तरीके का बसंत पंचमी की शुरुआत होते ही देखने को मिला कि मौसम पूरे बिहार में बिगड़ गया है, और कुहासा और वज्रपात एक तरीके से जब होने की वजह से लोगों की मुश्किलें और जो विद्यार्थी हैं उनको भी बड़ी है।
बिल्कुल राजीव, इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो बिहार में 6 सीट राज्यसभा की खाली है, जिसके लिए बीजेपी, जदयू और कांग्रेस ने नामांकन कर लिया है। आज राजद नामांकन कर सकती है। देखिए, आज राजद की तरफ से, क्योंकि पिछले दिनों जब आपको 4 सीट लगभग जो 4 राज्यसभा जो हैं वो कैंडिडेट जहां जदयू की तरफ से और भाजपा की तरफ से जो है राज्यसभा का नामांकन किया, जहां सम्राट चौधरी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद थे और जो भाजपा के 2 राज्यसभा के जो नामांकन किया, और वहीं आपको जदयू की तरफ से भी आपको नामांकन किया गया। आज राजद की तरफ से संजय यादव, मनोज झा का नामांकन करने की बात हो रही है कि वो नामांकन आज कर सकते हैं और आज जो राज्यसभा के लिए वो नामांकन करेंगे। तो जहां 6 सीट बिहार में खाली है, 4 सीटों पर नामांकन हो चुका है, 2 सीटों बची है, 2 सीटों पर आज राजद अपने तरफ जो उम्मीदवार है वो मनोज झा है और संजय यादव जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं और उनके साथ हमेशा रहते हैं, साये के तरीके से रहते हैं, उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, वो आज नामांकन करेंगे। राजीव, नंद किशोर यादव आज विधानसभा अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, उन्होंने 2 दिन पहले ही नामांकन किया था, अध्यक्ष पद के द्वारा उनको नामांकन किया गया था। आज वो निर्विरोध चुने जा सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी नामांकन नहीं किया है, तो आज उनके एक तरीके से वो अध्यक्ष, जो विधानसभा अध्यक्ष, वो निर्विरोध चुने जा सकते हैं और आज पदभार संभाल सकते हैं। और जैसे ही लगभग 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो वो पहुंचेंगे और वहां जितने भी बीजेपी एनडीए के जितने भी नेता हैं वो पहुंचेंगे और आज नामांकन की जो निर्विरोध चुने जाने की है वो प्रक्रिया शुरू होगी। और कुछ ही देर के बाद वो अगर कोई भी, क्योंकि अभी तक किसी ने नामांकन नहीं किया है, तो आज ही उनको अध्यक्ष पद पे एक तरीके से फैसला हो जाएगा। राजीव, आप स्कूल के बाहर खड़े हैं जहां पर मैट्रिक की परीक्षा जो है शुरू होनी है, सामने जो है कुछ विद्यार्थी भी नजर आ रहे थे, साथ ही हो सकता है अभिभावक भी वहां हो, उनसे क्या आपकी बात हो सकती है? क्योंकि बिहार में परीक्षा का मतलब हर वक्त ऐसे ही दिखाया गया है, कदाचार होता है, चीटिंग चलती है। हमने तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से जो है खिड़की से जो है चीट पास किया जाता था, उसके बाद परीक्षार्थी अंदर परीक्षा देते थे, ये तस्वीर कई बार ऐसी सामने आई है। बिहार में काफी सालों तक तस्वीर कुछ ऐसी ही बनी रही। इस बार जो है देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही कई निर्देश दिए गए हैं कि आप जूता मोजा पहनकर अंदर नहीं जा सकते, चेकिंग चल रही है, तस्वीर कुछ बदली नजर आ रही है। राजीव, जरूर प्रिया, देखिए अभी हम बाहर खड़े हैं और जो विद्यार्थी हैं वो अंदर गए हैं, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं जो परीक्षा दिलाने आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके कौन हैं। आप परीक्षा दिलाने हैं? जी जी। कौन, बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। तो अब अंदर है कि सुविधा है तो अपना। कहाँ से आए? पटना सिटी से आए। दूरी से? हाँ, ट्रेन से आए हैं। और आपके बच्चे? मेरे बच्चे। पहले से कहा कि जूता मोजा पहन के नहीं आना या त्यात नहीं बताया गया था? नहीं बताया। नहीं, तो लिखा है कि उसमें क्या बकायदा? नहीं, तो नहीं उसको जानकारी था मेरे बच्चा को, अभी तो जूता मोजा उतार दिया है। तैयारी कैसी? तैयारी तो घर में पढ़ाई करते थे, कोचिंग करवे करते थे, अब उसका भाग भविष्य जाने। पहले होता था कि कदाचार होता बहुत ज्यादा, अब इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि कदाचार मुक्त हो, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। देख सकते हैं कि जो गार्जियन हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी हम सिटी पटना साहिब स्टेशन जी। अच्छा, पटना सिटी साहिब पे क्या, कौन बच्चे हैं? बच्चे जी। बच्चे जी, एग्जाम देने के? जी जी सर। इस तरीके की आप व्यवस्था कैसी? सर व्यवस्था तो यहाँ पे सही देख रहे हैं, ठीक है, अपना आप लोग भी लगे हुए हैं, हेल्प कर रहे हैं बच्चे का, और सब लोग टाइम से ही पहुँच गए हैं, अच्छा है, ठीक है। तो जैसे कि बिहार परीक्षा समिति की तरफ से यह निर्देशित है कि आप लोग आधे घंटे पहले आए और आप लोग को जूता मोजा या तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेके जाए, तो एक सही? हाँ सर, सारा जितना भी बताया गया उसका पालन किया गया है, सब बच्चों ने भी किया, गार्जियन ने भी किया है, और सब सही तरीके से, जिस तरीके का मतलब नोटिस जारी किया गया था उसी तरीके से बच्चे सब एंट्री ले लिए हैं। तो दिखा जो
एग्जाम दिलाने के लिए गार्जियन है, पटना सिटी से आए हुए हैं। उनका कहना है कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से निर्देशित किया था सबका पालन किया जा रहा है। सब जो बच्चे हैं वो जिस तरीके से जूता मोजा उनको पहन के मना किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने के लिए, सब तरीके से वो यहाँ गार्जियन पहले ही निर्देशित कर देते कि आप लोग को ये नहीं ले जाना है, और हम पहले ही उनकी जानकारी वो दे दी जाती है। और यहाँ जो भी विद्यार्थी पहुंच रहे हैं उस तरीके के कि वो अपने चप्पल पहन के ही और बकायदा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेकर नहीं, उनकी जांच की जा रही है बकायदा स्कूलों में कि हर एक चीज की जांच, वो आई कार्ड पहने हो, उनके उनके पास जो एडमिट कार्ड हो, सब चीजों की जांच करके ही अंदर भेजा जा रहा है। प्रिया राजीव, बिल्कुल परीक्षा की बात हो रही है तो एक बात पर चर्चा तो जरूरी होती है और जरूर करनी भी चाहिए, क्योंकि हमने तस्वीर देखी थी, लगातार ऐसी तस्वीर सामने आई थी कि चीटिंग चल रही है, बाहर से पर्ची जो है अंदर भेजी जा रही है, परीक्षार्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बिहार की बात करते हैं तो एक तो हमारी जो हमारे सामने जो छवि आती है वो सबसे पहले गया की छवि आती है, भगवान बुद्ध की तस्वीर आती है। दूसरी अगर छवि हमारे सामने आती है तो आईएस आईपीएस की आती है। बिहार ने सबसे ज्यादा आईएस और आईपीएस दिया है। कदाचार जरूर होते थे लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई भी करते थे तभी आईएस और आईपीएस निकल पाते थे। जरूर देखिए प्रिया, आपने पिछले दिन एक पिक्चर आई थी ट्वेल्थ फेल, और ट्वेल्थ फेल की कहानी वो बिहार से रिलेटेड दिखाई गई थी, आपको पता होगा, जिसमें उसमें दर्शाया गया था कि हम बिहार से आते हैं और जहां जिस तरीके की बिहार के परिपेक्ष के चीटिंग वाली जो कहानी की भले उसमें नहीं, लेकिन दिखाई गई कि चीटिंग किस तरीके से कराया जाता है, किया जाता है, उस तरीके का प्रवेश फेल में सब कुछ दिखाया गया था। और जो इस आईएएस आईपीएस की जो बात करते बिहार से ही जाते हैं, लेकिन जो छवि पिछले कई सालों से बन रही थी कि परीक्षा केंद्रों पर कदाचार होते दिखाया गया, बकायदा आपको स्कूल के ऊपर चढ़ के गार्जियन हो या चाहे विद्यार्थी हो, चीट पहुंचाने, चीट अंदर करने के लिए, चीट कराने जाने की, इस तरीके की जो परिपेक्ष बनाया गया उसको एक तरीके से तोड़ने की कोशिश बिहार सरकार की तरफ से, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, आनंद किशोर खुद अध्यक्ष हैं, उनकी कोशिश है कि इस तरीके की जो मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे सीसीटीवी कैमरा लगाकर या उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर कि जूते नहीं पहने, ये नहीं पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाएं, और जो पुलिस प्रशासन को उसको ज्यादा टाइट कर करके सीसी हर एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है, बाकायदा मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, वहां मॉनिटर किया जा रहा है अगर किसी भी तरीके का कदाचार हो, और आधे घंटे पहले पहुंचना, आधे घंटे उसके बाद जांच होना, जांच के बाद अंदर बैठाना, और चारों तरफ जो है पुलिस बल को यहां लगा दिया जाता है कि स्कूल के बाहर कि किसी भी कि अगर कोई कदाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और पहले से ज्यादा ये सुधार शिक्षा विभाग की तरफ, चाहे के पाठक हो वो भी सुधार के तौर पर कई तरीके के स्कूलों को निर्देशित करते हैं किस तरीके की आपको पढ़ाने के लिए, चाहे वो शिक्षक हो कि लगभग अगर आप 9 से 5 पढ़ाएं, और ये तमाम चीजें हैं कोशिश बिहार सरकार की तरफ से या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ सबसे प्रयास किया जा रहा है कि जो छवि पहले बनी थी उसको सुधारा जाए, और उसके सुधार करने के लिए चाहे जो शिक्षकों की बहाली हो या विद्यार्थियों को अवेयरनेस हो, यह तमाम चीजें वो कोशिश की जा रही है, और उसी क्रम में यह भी देखा जा रहा है कि जो व्यवस्था है पहले से सुदृढ़ हुई है। प्रिया राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिहार में कई एक ऐसे मुद्दे हमारे संवाददाता ने बताया जो कि आज छाए रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि बिहार मैट्रिक की परीक्षा आज शुरू हो रही है, 16 लाख विद्यार्थी आज परीक्षा देंगे, परीक्षार्थी है 16 लाख और ये परीक्षा देंगे। लेकिन परीक्षा केंद्र की जो तस्वीर हमने दिखाई वो पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, साथ ही कई हिदायत दी गई थी कि परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि तस्वीर ही कुछ ऐसी थी, पहले बिहार का नाम ही कुछ ऐसा था कि चीटिंग करने में परीक्षार्थी सबसे ज्यादा तेज माने जाते थे, अपने जो जूता और मोजा के अंदर चीट छिपा कर लाते थे, और इसीलिए इस नियम को फिलहाल लागू किया गया है ताकि परीक्षार्थी जूता मोजा यानी चीटिंग ना कर सके। कदाचार मुक्ति के लिए हर एक पहलुओं को ध्यान पे रखा गया है, साथ ही जिस तरीके से नियम बनाया गया है कि आधे घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र में पहुंचना है, तो विद्यार्थी और परीक्षार्थी किसी भी तरह से अपने एक साल को
लेकर पूरी सजग दिख रहे हैं। परीक्षार्थी सभी समय पर पहुंच रहे हैं और परीक्षा केंद्रों के अंदर जाते दिख रहे हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता ने बताया कि आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नंदकिशोर यादव निर्विरोध चुने जा सकते हैं। तो कई एक ऐसे मुद्दे थे जिसे हमारे संवाददाता राजीव कमल ने बताया है, जो कि आज पूरे बिहार सहित राजधानी पटना में भी छाए रह सकते।